मालिका परमपिता परमात्मा का जो प्यार है वो अनमोल है, लेकिन भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें ये अनमोल प्यार मिल जाता है। प्यार के आज के दौर में मीनिंग्स बदल गए हैं, मायने बदल गए हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो दुनियावी रिश्ते हैं शायद यही प्यार है। जितने भी दुनियावी रिश्ते हैं उनके लिए भावना है, एक हद तक आप उस रिश्ते से वो भावना निभा सकते हैं। हद से जब आप गुजर जाते हैं तो वो मोह ममता बन जाता है, जिसके लिए आने वाले समय में आपको दुख भोगने होंगे। हद से ज़्यादा प्यार किसी से भी कोई करता है, मालिक ना करे, उनमें से अगर कोई चला जाता है तो दूसरा रहे कैसे। हद से ज़्यादा प्यार एक से करो जो कभी जाता नहीं, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम। कभी बिछोड़ा नहीं देता, कभी दूर नहीं होता, हर पल हर समय हमारे साथ रहता है, कण कण में जर्रे जर्रे में वो मौजूद है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को अगर सच्चे दिल से याद करोगे, तड़प के याद करोगे, तो उससे एक बार तार जुड़ गई वो तार टूटती नहीं, चाहे काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया कितना भी जोर लगा लें, वो तार इतनी जबरदस्त तरीके से जुड़ती है, उसके लिए दुनिया या ये सातों चोर कोई मायने नहीं रखते। पर इसके लिए पहले अभ्यास जरूरी है, सुमरण करना जरूरी है। तो आप जब भी आपको समय मिले कोशिश कीजिएगा एकांत में या अपने कमरे में डिम लाइट, अगर अंधकार में आपको डर नहीं या ऐसा फील नहीं होता कुछ, तो बिल्कुल अंधेरे में आप बैठे पालथी मार के जैसे आप बैठे हो, अपना ध्यान यहां जमा के और सुमरन कीजिए। बड़ा मजा आता है। कई बार होता है क्या और भी सोल्यूशन है, ठीक है आपके कमरे में लाइट है, आपको लगता है कोई आपके साथ हैं परिवारजन, उन वो अंधेरे में नहीं सो सकते, तो एक पट्टी बना लीजिए कपड़े की, हल्की सी कॉटन की या जो भी कपड़ा देसी जैसा आपको लगे, अच्छी धुली हुई हो, बढ़िया फ्रेश खुशबू नहीं आनी चाहिए उसमें, तो वो अपनी आंखों पर बांध लो हल्का सा सुमरण के टाइम। बिल्कुल लाइट कपड़ा हो तो यकीन मानो वो लाइट में भी आपको अंधेरा महसूस होगा, और बाकी लाइट में पड़े हैं तो पड़े रहने दो। तो आपके लिए, क्योंकि आंखें डिस्टर्ब करती हैं, अब जब भी आप दिन में बंद करके देखो एक रेडिश एक लाल पर्दा सा आंखों के सामने दिखता रहता है, क्योंकि ये पलकें आंख को बचाने के लिए है, लेकिन इसके अंदर से लाइट हमारी आंखों में आती है, तो उससे क्या डिस्टर्ब होता है बंदा, उसका जो ध्यान है वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो जो साधक हैं जो समाधि में जाना चाहते हैं वो ओम दाता रहबर एक होते हुए खंडों ब्रह्मंडों में सैकड़ों त्रिलोकियों में वो रहता है, इच्छा तो होती है उसको देखना चाहिए वो एक है कैसा, तो इस तरह उसे आप देख सकते हैं। सुमरन करने लगो, हो सके तो अर्ली मॉर्निंग 2 से 5, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है, अमृत बेला, बांगे वक्त, फर्ज, गॉड्स प्रेयर टाइम, तो ये सारे अलग अलग पवित्र धर्मों में नाम दिए गए हैं सुबह के समय के। और नासा साइंस केंद्र कहता है ऑक्सीजन प्योर एंड मोर होती है, कि अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 ऑक्सीजन प्योर एंड मोर, इफ यू डू द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेडिटेशन देन यूर सोल पावर अवेक एंड अप साइड, सोल पावर आत्मिक शक्तियां आपके अंदर बहुत ज्यादा हैं। सुना होगा आपने कि संत उड़ा करते थे, उसका मतलब यह नहीं है कि वो पंख लगा के बॉडी समेत उड़ जाते थे। जो रूहानी संत होता है, सूफी संत होता है, बॉडी वहीं रहती है लेकिन आत्मिक तौर पे वो खंडों ब्रह्मंडों को पार करके परमपिता परमात्मा से जुड़ा रहता है।
एक किसी महापुरुष की हमें बात याद आती है कि उसने कुछ मांगा अपने सदगुरु से सत्संग में बैठे बैठे और हाथों हाथ पूरा हुआ। तो उस मुर्शिद के पास जाके वो मुरीद बोला, गुरु के पास शिष्य गया और बोला, हे गुरुजी, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये चीज मांगी मुझे पल में मिली, पहले नहीं हुआ। तो गुरुजी मुस्कुराए, कह लगे, बेटा पहले तेरा सुमरण उतना नहीं था, दूसरी बात तेरा ध्यान एकाग्र नहीं था, कौन आया, कैसा बैठा है, कपड़े कैसे हैं। खास करके बेटियों को बहुत होता है, बेटे भी खरा आज नेक टू नेक मुकाबला है, ऐसा तो नहीं है, तो वो चेक करते रहते हैं, अच्छा कौन कैसे बैठा, अरे भाई तू बैठ गया दूसरे से क्या लेना है, लिब लगाना भगवान के साथ। पर इसी में निकल, अच्छा कौन सा कपड़ा, कितने रुपए का, बहनों में ये चल पड़ता है। तो कहने लगे, आपने ध्यान उधर से हटा के अब सतगुरु के चरणों में जोड़ा है। और कहता, गुरुजी फिर आज एकदम से कैसे पूरा हुआ, क्योंकि कहते तू साधक है। गुरु कहने लगे, आज तूने एकाग्र चित्त से सत्संग सुना, देखता रहा, और जब तू मांग रहा था तब हमारा ख्याल और हाथ अपने ओम हरि अल्लाह राम से जुड़ा हुआ था, इसलिए तूने जो मांगा डायरेक्ट मिल गया। अब सोचो आप, छोटी बात नहीं है, सत्संग में आके बैठते हो, अगर आपके अंदर विचारों का तूफान यूं ही चलता रहता है, एकाग्र चित्त होके सुनते नहीं, तो फकीरों का तो ध्यान मालिक से जुड़ा रहता है। आपको बताया कि आपसे बातें कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन सिक्स सेंस कह लो या अंतर ध्यान कह लो, वो मालिक से जुड़ा रहता है। और जब मालिक की चर्चा होती है तो मालिक आपके अंदर तो है ही, लेकिन फिर वो जहरा तौर पे भी घूमता होता, सबको आशीर्वाद देता है, और जैसी भावना वैसा फल मिलता रहता है। इसलिए जब सत्संग सुनने लगो, ये पूरा ध्यान रखा करो कि और विचार ना आने पाए, और ख्याल ना आने पाए, क्योंकि विचारों का पुलिंदा विचार हमेशा चलते रहते हैं। विचार शून्य दिमाग कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि दिमाग में कोई विचार ना हो, हर पल हर क्षण। पर गुरु से क्या छुपाना, संत अगर कभी भी कह दें कि बोल बेटा क्या है, तो उस समय पता नहीं उनका मूड क्या होता है। अगर तूने बता दिया, हो सकता है वो समुद्रों के समुद्र तुझे पल में मिल जाएं, जो तू कल्पना के घोड़े दौड़ा रहा है या टेंशन लिए जा रहा है, हो सकता है वो हकीकत में हो जाए, वास्तविक रूप में आपके सामने आ जाए। वो तो कोई भाग्यशाली होता है जिसे फकीर ये कहे कि बोल बेटा, अदरवाइज संत सबके भले की चर्चा करते हैं, आपकी भावनाएं उनके द्वारा परमपिता परमात्मा के चरणों में जाती रहती हैं। जैसे आपने देखा है, फूलों को देखा हो कभी, उसमें से इत्र निकालते देखा हो कभी, दाने पीसते हुए किल्ली के साथ रह जाते वो बच जाते हैं, लेकिन जो आटा बन जाते हैं वो उससे भी ज्यादा काम आते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है, दुनिया में जो उस धुरे से मालिक से जुड़ा है वो ही बचता है, आटे का मतलब फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ध्यान उस मालिक के जोड़ के रखो। सेवा आप करते हो, किसी पे एहसान नहीं करते, बुरा ना मनाना, उसके बदले में आपकी इच्छाएं होती हैं बहुत सारी, बहुत सारी चाहत होती है, शायद मैं ये सेवा करूंगा मुझे ये तरक्की मिलेगी, शायद मैं वो सेवा करूंगा मुझे वो तरक्की मिलेगी। बड़ा मुश्किल है अपने आप को निस्वार्थ कर पाना, पर सच्चा शिष्य सच्चा मुरीद वही होता है जो निस्वार्थ भावना से अपने सदगुरु को अपने गुरु को प्रार्थना करता रहता है, और उसे फिर बिना सोचे ही बिना मांगे ही वो चीजें मिलती है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती।
इसलिए भावना पवित्र करो, अच्छे विचार चलने दो, बुरे विचारों पे कंट्रोल करो, बुरे ख्यालात बुरे विचार आते हैं तो शाम को या उसी समय सुमरण कर लो, 5-4 मिनट, कंट्रोल हो जाएगा। ज्यादा बुरे विचार है पानी पियो, नारा लगाओ और सुमरण करो, 5 मिनट सुमरण करने से 100% आपका ध्यान कन्वर्ट हो जाएगा, बुराई की हटके बुराई की तरफ से और अच्छाई की तरफ लग जाएगा, दुनियादारी से हटके परमपिता परमात्मा के चरण कमलों में सज जाएगा आपकी आत्मा रूपी जीव, आपका ध्यान। क्या सेवा के साथ स्वार्थ ना रखना चाहिए? रखो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, फिर आप रूहानी चीजों के या रूहानी दर्शनों के लायक नहीं बन पाओगे, क्योंकि जो सुमरण किया उसका मूल्य तो आपने ले लिया मालिक से, मुझे गाड़ी दे, मुझे स्कूटर दे, मुझे मोटरसाइकिल दे, मुझे कार दे, मुझे नौकरी दे। मांगना गलत नहीं है, बेरोजगार हो, घर में दुखी हो, पैसे बिना कुछ आता भी नहीं, ये भी सही है। चलो नौकरी मिलेगी, क्या उसके बाद सुमरण कर लोगे? फिर भी नहीं करोगे, फिर शुरू हो जाता है, अब तरक्की हो जाए, तरक्की के साथ साथ ये साथ वाला बढ़ रहा है, ये नीचे गिर जाए, ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है। वो दिन याद करो जब आप तड़पते थे, एक बार नौकरी लग जाए फिर तो राम का नाम लूंगा, क्या वायदे पे रहे पक्के? माँ की गर्भ से वायदे तोड़ने शुरू हुए हो और लगातार तोड़ते जा रहे हो, तो भाई कोई तो वायदा निभाया करो, दर्ज कीन रखा करो अपने गुरु पे, अपने सतगुरु मौला पे, बुरा नहीं कर सकता वो किसी का, पर नाटकबाज ना बनो, ढोंगी ढकोसले ये सही नहीं होते। साफ दिल रू आत्मा ही मालिक नूरी स्वरूप के दर्शन करती है, और यकीन मानो फकीर में भी मालिक के दर्शन होने लगते हैं। कैसे? सभी धर्मों में ये बात लिखी है कि वो परम पिता परमात्मा कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। आप उसको अपने अंदर से महसूस तब कर पाओगे जब ध्यान एकाग्र करके अच्छी तरह से यहां पे पहुंच के सुमरण करोगे, फिर ध्यान जमेगा, फिर आपकी आत्मा कंसंट्रेट होगी, फोकस यहां आएगा, उसमें खिंचाव भी पड़ सकता है, हल्का हल्का मीठा दर्द जैसा एहसास भी हो सकता है, और किसी को कुछ भी नहीं होता, दोनों तीनों बातें हैं। और उसके बाद सफर शुरू होता है आत्मा का परमात्मा तक। ये योगा में अलग चक्कर होते हैं, यहां से लेके यहां तक 7 चक्कर बोले जाते हैं, लेकिन ये 10वां द्वार या इस तक आने के लिए रूहानी सूफियत में योगा करने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान में बैठ के मेडिटेशन गुरुमंत्र नाम शब्द का जाप करना जरूरी होता है। तो उसके बाद आत्मा का सफर शुरू होता है, जैसी वो लाइट नजर आई, ध्यान जमना शुरू हुआ, और आप छोटा सा एक तारा सा नजर आता है, जाप करते 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 वो वाइड होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, और फिर प्रकाश में बदल जाता है, जिसका मतलब होता है कि हां अब आपकी आत्मा लगभग लगभग कंसंट्रेट कर चुकी है, और फिर शब्द बंद हो जाते, जीभा या जो ख्यालों में भक्ति कर रहे होते हो आप, आते ही प्रकाश ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अब आपकी आत्मा अनहद धुन को सुनना शुरू कर देती है। ये शब्द तो फानी है, जो आपको गुरुमंत्र मिलता है, परमात्मा का नाम है, वो लासानी है, कभी खत्म नहीं होता। ये शब्द इस दुनिया तक सीमित है, और इस दुनिया से वो प्रकाश आता है तो आत्मा डिस्कनेक्ट हो जाती है, मरती नहीं, शरीर चल रहा होता है, नबज आराम से चल रही है, 72 बार नहीं, बहुत कम बार, काउंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये ध्यान में रख के बैठ गए तो आंख खुल जाएगी, उसी टाइम ध्यान टूट जाएगा। ये तो आपको एक बताते, हार्ट आराम से चलता है, और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो हार्ट को आराम दिला सके, मेडिटेशन सुमरन ही है। और उसके बाद
आपकी आत्मा रूहानी सफर शुरू करती है। अनहद बाणी या वो धुन या वो बांगे इलाही या गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो शुरू हो जाती अंदर, और उस आवाज के साथ साथ आत्मा खिंचती चली जाती है। यानी अब है उड़ान, ये है उड़ना। एक भक्त हुए राजस्थान साइड के, पहले वो राजा थे, फिर महापुरुष बन गए, संत बन गए, संत भगत पीपाजी, उनकी ये वाणी है, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे जो खोजे सो पावे, कि जो ब्रह्मंड में है वो शरीर में है, जो खोजेगा वो ही पाएगा। तो ये सारे आसमान, एक आसमान नहीं, एक को पार करोगे पता नहीं, ये सूर्य चांद को पार करोगे कितने चंद्रमा मिलेंगे, आपकी रूप बड़ी हर्षाती चली जाती है, फिर परमपिता परमात्मा की तरफ बढ़ती है, तो लास्ट में ऐसे हो जाते हैं एक को ऐसे लाके एक सुई जितनी नोक, उससे निकलती आत्मा फर करके और ये इस आसमान को, इस त्रिलोकी को पार कर जाती है। फिर खंडों ब्रह्मंडों का सफर शुरू होता है। फिर क्या नजारे हैं, आप सूरज के करीब हैं, बहुत सारे सूरज मिलेंगे, लाखों चंद्र सूरज मिलेंगे, संतों ने ऐसे नहीं लिखा, ये हकीकत है। और जब आप उनके पास से निकलोगे क्या नजारा आता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। साइंस तो झूठ बोलेगी, क्या कहेगी, संत झूठ बोल रहे हैं, सूरज के पास तो कोई जा ही नहीं सकता, इतनी तपिश है। पर उनको क्या मालूम, आत्मा इतनी पावरफुल होती है वो सूरज के अंदर से भी निकल सकती है। ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आत्मा कौन सा ड्रिल मशीन है जो सूरज से छेद करके निकल जाए। आपने फिल्मों में देखा होगा, भूत होता है जो कांच के आर पार निकल जाता है दीवार, उसको कोई मायने नहीं रखती। हालांकि लोगों ने डुप्लीकेट ड्रामे बनाए हैं, वो सारे भूत तो होता ही नहीं धरती पे, लेकिन आपको समझाने के लिए उदाहरण अच्छा है। आपने वो देखा होगा, एक भूत है, बंदे अंदर बैठे, कब आ गया वो दीवार से पार निकलता, आदमी नहीं निकल पाता। तो ऐसे ही आत्मा होती है, जो प्रभु का नाम जपते तो उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो कई सूरजों से बढ़ के उसमें प्रकाशमय हो जाता है। तो ये छोटे मोटे सूरज उसके लिए क्या मायने रखते हैं, उनके अंदर से निकलती है, पास से जा सकती है, इतनी पावरफुल हो जाती है। और उसको तपिश तो क्या, हर चीज में ठंडक एहसास होता है। और यूं करते करते लाखों चंद्र नक्षत्र ग्रह के पास से गुजरती हुई आत्मा फिर सारी त्रिलोकियों को त्याग के, सारे ब्रह्मांड को त्याग के, तब भी सुई जितनी नोक, उसमें से आत्मा निकलती है। और अब शुरू होता है परमपिता परमात्मा का वो रूहानी इलाका, जिसमें नीचे इससे पहले बहुत सारे काल ने भरमाने के लिए चीजें बना रखी, सोने जैसा पानी है और बहुत बड़े बड़े आम, मान लीजिए जो आपने कल्पना नहीं की, इतने खूबसूरत हीरे लाल जवाहरत के पेड़ भरे हुए हैं, चारों तरफ चमक होती है, चमक दमक, जिसको आप देख पाते खुली आंखों से, नज़ारा बन जाता है, बड़ी खुशियां मिलती हैं और आत्मा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और इन चीज़ों को जो पूर्ण गुरु से नहीं चिताए हुए वो यहीं अटके, हूरें जो कही जाती है ना, हूर का मतलब बेहद खूबसूरत परी परा, यानी अपनी भाषा में बोलें तो आपने कभी ना देखी हो ऐसी खूबसूरती औरत और मर्द के रूप में, वहां आपको नजर आएगी। जो पूर्ण गुरु के चिताए नहीं होते वो आत्मा फिसल जाती है और वहीं अटक के रह जाती है। बड़े बड़ी हस्तियां यहीं तक रुक गई, क्योंकि वो काल का सुनहरी जाल है। मन माया काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार को जब तोड़ के आत्मा निकल गई तो लास्ट में काल आता है, महाकाल। तो वो इस तरह से जीवों को भरमाता है, पर पूर्ण गुरु की चिताई आत्मा उनको देखती है, सारी चीजों को आनंद महसूस करती है, लेकिन अपनी धुन को नहीं छोड़ती। और वो फिर जब सुई की नोक आपको बोला था वो जगह आती है ताकि थोड़ा दर्द का एहसास हो, वो भी काल का ही डिजाइन है, जो कहीं ना कहीं गुरु पूर्ण तो थे पर
उतने पूर्ण नहीं तो वो इस सुई वाली नोक पे अटक जाती है, आगे नहीं निकल पाती। अगर पूर्ण गुरु है, क्योंकि वहां धुन रुक जाती है उसके लिए, काल ने वचन लिए हुए परमात्मा से, आत्मा रुक जाती है। लेकिन जो भक्ति करके सारे पाप गुना त्याग के सतगुरु से जुड़ता और दृढ़ यकीन रखता है, उसकी आत्मा के लिए धुन बंद नहीं हो सकती। और उस धुन के सहारे वो सुई की नोक से निकलती है। तो ये मालिका अब आ गया रूहानी पड़ाव, वो था काल की नगरी, लेकिन मालिका दायरा वहां से शुरू होता है। काल की नगरी तो सारी त्रिलोकियां उसने बनाई, बुत तो उसने बनाए, जान परमात्मा ने डाली। तो अब ये आता है निज धाम सचखंड सतलोक अनामी सतनामी, ऐसा देश जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया में जितने भी लोग, आप आदमी को ले लें कि जितने भी आदमी हैं, सबकी च्वाइस अलग अलग होती है, टेस्ट अलग अलग होता है, मीठा कड़वा नमकीन चीजें पसंद होती हैं। पर वहां पहुंचते ही ऐसा नजारा बनता है, कैसा भी आपका टेस्ट है उससे अरबों गुना बढ़ के वो टेस्ट आपको वहां आनंद के रूप में पैदा होता है। और फिर वो स्थिति आती है परमानंद की। अब पूर्ण गुरु है, पूर्ण सतगुरु फकीर है, तो मालिक को सबसे पहले उस रूह को उस रूप में रूहानी दर्शन देने होते हैं। तो आपने सुना, अभी तो बहुत पढ़ा है लेकिन इतना ही काफी है। अगर कर पाओ तो यहां चढ़ाई करने के लिए इतना कुछ करना है, और दूसरी तरफ वचनों के पक्के, दृढ़ यकीन, एकाग्र चित, मिठास बोलना, स्वभाव के अंदर नरमी, ये चीजें लेके आगे दीनता नम्रता, ना गाली गलौज, हाथ जोड़ के बात करो। हम तो सबके करते, हम तो नौकरों के नौकर हैं ना। कोई जिम्मेवारी मिल गई या कुछ पदवी मिल गई या डिग्रियां मिल गई या कोई ओहदा मिल गया, तो उसको लगता है नहीं मैं कुछ और बन गया। एक कहावत है, हम कुछ और बन गए जी, हम वो नहीं रहे। पंजाबी जी कहते असं हूँ होर बन गए जी। सो होर क्या बन गए आप? इंसानियत तो मरनी नहीं चाहिए ना। तो दीनता नम्रता हो, तीन वचनों का पक्का हो, दृढ़ यकीन रखता हो अपने सदगुरु मौला पे। ये नहीं जब सामने है तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और थोड़ी पीठ घुमाई तो मन मते इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। वो तो आप जानते हैं आप क्या करते हैं। संत झूठ नहीं बोलते, गड़ा कटवा सकते झूठ नहीं बोल सकते। तो सच यही है कि ये सारी चीजें त्याग के जब आप अपने सदगुरु पे 100% दृढ़ यकीन कर लेते हैं कि वो अनजाने में भी कोई वचन कर दे तो उसमें राज होता है। जब ये स्थिति आ जाती है और फिर सत्संग में आके बैठो, ध्यान जमा के रखो और एक एक बात को कानों में उतारते चले जाओ, वो जो चढ़ाई में इतना समय लगा था, हो सकता है परमपिता परमात्मा आपके गुरु के रूप में आपको रूहानी दर्शन दे दे एक पल में। अब दो ही रास्ते हैं, एक समाधि लगा के सुन समाधि में जाओ, उसके लिए हो सकता है पता नहीं कितना टाइम लगे, और ये बड़ा आसान तो ये भी नहीं है कि तीन वचनों पे दृढ़ यकीन करना है, विश्वास रखना है, तीन वचनों को काटना नहीं है। निगाह से भी कोशिश करो ना कटें, ख्यालों से भी ना कटें। चलो ख्याल कंट्रोल में तब तक नहीं जब तक सुन समाधि में नहीं जाते, उसके लिए बोल दिया 5 मिनट सुमन करो। पर जब सत्संग में आके बैठो, एकाग्र चित, ध्यान जमा हो और कान खुले हो, ओपन माइंड, ना कि नैरो माइंड, तंग दिली से मत बैठो, खुले दिमाग से बैठो, सुनेंगे ध्यान से, मानेंगे और ध्यान जमा के रखो, पता नहीं कौन सा वो पल आ जाए जब आपके संत पीर फकीर में परमपिता परमात्मा जहर नजर आ जाए। कितना आसान तरीका है। हम तो हमेशा आके ये नजारा ही देखा करते थे। ये नहीं आपको कहेंगे हम सुमरण नहीं करते थे, वो तो सतगुरु जन्म से ही उन्होंने जोड़ा हुआ था, वो एक अलग चीज है। 5-6 साल के तो हम वैसे ही जुड़ गए थे, 6 साल के में भी। तो कहने का मतलब सुमरण तो करते ही थे, समाधि में जाते ही थे, सब कुछ, ये तभी तो एहसास किया।
पर जब बेपरवाह जी के सामने आते थे तो ये नहीं होता था, बस एक टक उनको देखना। आपको कहते कभी कभी, हमारा तो बैठते कनेक्शन स्टार्ट हो जाता था और जुड़ा ही रहता था। वो चल रहे हैं, उनके चरण कमल बढ़ रहे हैं आगे को, लेकिन क्या नजारा, क्या रूहानी नजारा। उनके साथ सेवादार कौन है ये याद नहीं रहता था, क्योंकि एक यार का ही प्रकाश आता था, बाकी तो दिखते ही नहीं थे उस प्रकाश में, परछाइयां भी नहीं दिखती थी, हालांकि कितने लोग साथ होते थे। और अब भी देखा होगा आपने, अब तो चलो मानी बात, लेकिन तब भी हम बेपरवाह जी पैदल चलते, आगे पीछे लोग चलते ही थे, नेचुरली है, तो कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ यार। ये कैसे पॉसिबल? मान लो सतगुरु यहां जा रहा है, चार लोग इधर हैं, दो तीन लोग इधर जा रहे हैं, एक दो आगे हैं, तो वो तो बीच में आ गए, सब कुछ सफाया हो जाता है। जब रूहानी नजारा बनता है ना, कुछ नहीं दिखता, वो रूहानी पावर ही नजर आती है। और आपको तो कई चीजें दिखती हैं, इससे यारी डाल लो तो काम बन जाएगा, वो थोड़ा सा और नजदीक है उससे यारी डाल लो तो काम बन जाएगा। अपना तो किसी से यारी नहीं थी, बचपन से एक ही था, शस्त नाम शाह मस्तान, एक ही है और एक ही रहने वाला है, दूसरा आने वाला नहीं है। तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया साथ कौन जा रहा है, कौन कैसा है, कौन इंचार्ज साहब हैं, कौन ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि उन्होंने कोशिश की, आपको कई बार बताया कि भाई जैसे ही पता चला कि बड़े घर से हैं, और उस समय गाड़ी नहीं होती थी, 85-6 में बहुत कम गाड़ियां आया करती थी सेवादारों की, तो पता चल गया कि बड़े घर से हैं, तो फिर लोगों ने भी कोशिश करनी शुरू कर दी, आगे बैठो जी, आप पल्ली बिछाते हैं जी। हमने कहा अच्छा अच्छा आप बैठो बैठो, हम अभी आए, पल्ली भी उनको बिठा के आप वहीं के वहीं, या सतगुरु से डायरेक्ट कनेक्शन हो सीधा, जुड़ते ही बाकी सारा साफ, कितने बैठे हैं कौन बैठा कोई मतलब ही नहीं। बीच में आके वो सज्जन कभी कभी डिस्टर्ब कर देते थे, आपको कहा था आओ जी, हमने कहा जी यहीं से नज़ारा बन रहा है, आप जाओ जी, तो वो फिर चले जाते, कभी कहते यहाँ बैठ के चाय दूध पियेंगे, फलां करेंगे। आपको सुनाया था हमने, फिर से दोहराना चाहेंगे, अपनी मान बढ़ाई नहीं, सतगुरु का शिष्य कैसा होना चाहिए ये बताना चाह रहे हैं, जो सच्चा मुरीद होता है वो कैसा होता है। क्योंकि बेपरवाह जी ने फरमाया था आपा गुरु भी हैं, और आपा गुरु शिष्य का रिश्ता क्या होता है ये भी साबित कर दिया सिर्फ 15 महीनों में। तो आपको बताया, हम आश्रम में जाते, शाह मस्ताना जी धाम में सेवा करते तो लंगर खा लेते, सेवा ना करते तो बाहर कंटीनें होती थी, रामा मानसा कंटीन या ऐसे नामों से मशहूर थी, बड़ी नाम सा लिया करते थे सेवादार। वैसे तो हम तो यही सोचते बेपरवाह जी की सारी चीजें हैं, तो वहां जाके वो सोडे में एक दूध बनाया में होता था, मिल्क शेक वगैरह, बड़ा स्वाद होता था, वो एक दो पी लिए, ठंडा होता था तो गर्मी में आए तो वो पी लिए, अदरवाइज वहां से कुछ ब्रेड पकौड़ा बनाए करते थे, ऐसी कुछ चीजें होती थी, वो खाई अपनी रोटी की सुट्टी, और बस शौकीन ही दूध के थे, और दूध प्योर मिलता था, बढ़िया था। बेपरवाह जी का तो पानी भी दूध से अमृत बन जाता है, पीने की भावना होनी चाहिए। तो अंदर का लंगर नहीं खाते थे, कारण था कि आज सेवा नहीं की। आप जरा सोचिए, आप कह रहे हैं हमने कुर्बानी दी है, आप क्या क्या खाते हैं और उसके बदले में आश्रम को क्या क्या लौटाते हैं, कभी सोचा है, कभी ये इस बारे में विचार किया है? गुरु कमी नहीं छोड़ता, वो तो दातें भी बख्शेगा, खान पान की कमी नहीं बख्शेगा, लेकिन खा पी के सोते रहे तो ये मामला यहां तक आ जाएगा, और फिर रोग बीमारियां लगेंगी। अच्छा है सेवा करो फिर खाओ, या खा के सेवा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप जितना खा रहे हो उतनी सेवा में लुटा नहीं पा रहे, तो जरा कल्पना तो करके देखो आप कर क्या रहे हो, अपनी बंदगी खत्म कर रहे हो, भक्ति कट रही है। और छोड़ो, हमारे बापूजी, एक छोटी सी बात उनकी ख्याल में आई, हमने 9 साल की उम्र में सारा काम धंधा संभाल लिया था, तो उस समय हमने कहा था कि आपने खेत में काम नहीं करना, और चार नौकर जिन्हें लोग आप नौकर कहते हो हम साथी कहते थे, क्योंकि उनका नाम लेके बुलाना, और उनको कहते थे कि लोग
निम्न वर्ग से कह लीजिए या किसी वर्ग से कह लीजिए हमारे साथ होते थे, तो लोग उनको टीच करते थे, गलत बोलते थे, और हम उनको कहते थे आप हमें मामा कहो। गलत रिश्ता नहीं, मामा, माँ का भाई, माँ का देवर जेठ बनते हैं लोग सारे, माँ का भाई कोई नहीं बनता, हम बनते थे कि मामा बोलो, तो वो मामा ही कहते थे। तो उनको हमने बोला कि 9 साल की उम्र में, उनकी 15-16 थी, एक तो आज भी है वो ज्यों का त्यों वहां सेवा कर रहा है, तो उसको हम उन सभी को कहते कि अगर बापूजी इधर आ जाए ना काम नहीं करने देना। कहते हम कैसे रोकेंगे, बड़े हैं वो तो। हमने कहा यार आपा करना है काम, उनको अब वो देखें बताएं, वो बता दिया करो आपा वैसा कर लेंगे, लेकिन काम नहीं करने देना। अब हमारे बापूजी तो काम बहुत ज़्यादा करते थे फादर साहब, अब उनको एकदम काम छूट गया तो थोड़ा अजीब लगता है। तो हम स्कूल जाते, अब स्कूल की तो पता है कि छुट्टी रिसेस टाइम ये वो सारा उनको पता था कि इतने बजे तक फ्री होंगे, तो वो खाना खुना लेके जाते और वहाँ जैसे डौल बांध रहे होते, बट्टा पौंदे, पंजाबी च कहते बट्टा पौनिया, जिंदरी नाल वो एक होता है, एक दबाता और दो लोग खींचते हैं, तो वो डौल बनती चली जाती है, तो लग जाते जाके, अच्छा क्यारे बनाने आ जाओ, कस्सी चलानी आ जाओ, वो लगे होते और एक आदमी को टीले के ऊपर खड़ा कर देते, कहते अगर वो आ रहा हो ना हमें कहते बता देना। और जब ही हम पहुँचते झट से जाके छाया के नीचे आराम से बैठे होते। हमने कहा अच्छा आप आराम कर रहे हो, चार पाई डाली होती? हाँ। कहते हाँ हाँ सारे बच्चे बढ़िया काम कर। हमने आपने तो ना ना मैंने हाथ वो धोए होते सारा, ऐसे जूते जाते झाड़ के साफ करके बैठे होते। हमने कहा हाँ आपने कुछ नहीं किया? कहते ना, हमने ठीक है हम कुछ नहीं करते। जाते यहाँ डौलबंदी होती थी, हमने कहा ये सीधे वाला पैर ले लूँ, एक लड़के का नाम था या और बच्चे थे उन सबको, ये तेरा पैर तो हो नहीं सकता इसका मतलब। कहते नहीं नहीं मेरा ही पैर है बेचारे नो, वो बच्चे कहते, कई चुप हो जाते। तो हम तो जानते थे कि फादर साहब के पैर का निशान है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा चलते थे, थोड़ा सा हल्का सा नहीं तो सीधा ही था। तो हम उनके पास जाके बैठ जाते, हमने कहा अच्छा जी आपने कुछ ही नहीं किया? कहते तू सारा देखा है अब छुपाऊं क्या? तो हम हंस पड़ते। तो हमने कहा फिर अब ऐसे चलो शुक्र है आप बैठे थे, दिल में सोचा, लगे रहते तो कौन सा हम हटा लेते अंदर से सोचते। तो हमने कहा फिर, कहते बेटा असली बात ये है, मैं जितनी रोटी खाता हूँ ना उतनी अगर यहाँ मेहनत नहीं करूँगा तो वो रोटी मेरे हजम नहीं होती। मुझे लगता है मैंने कोई कमाई नहीं की, ये तो इन बच्चों ने मेहनत की थी, उनकी बनाई फसल मेरे घर आ गई, मैं एक नाम मेरे जमीन है इस वजह से खा रहा हूँ, ये कौन सा तरीका है? उतना तो करूँ जितनी रोटी खा सकूँ। तो हमने कहा जितनी रोटियां खाते हो हमने कैलकुलेट कर दिया, इतनी खाते हो और इतना कर लिया करो रोज के 15 मिनट या 10 मिनट। हमने भी कौन सा कम थे, हम भी तो कैलकुलेट में बहुत ज़्यादा वो हैं। तो हमने कहा ठीक है। कहते यार तूने तो बिल्कुल ही चारों तरफ से बंद कर दिया। हमने कहा आप रोटी लेके आते हो तो? कहते ये सारा एक 2 किलोमीटर बनता है, 2.5 किलोमीटर। कहते हम तो बस अड्डे भी जाते थे तो उस पर जाते थे जो 9 किलोमीटर दूर है, और सिर्फ 50 मिनट में चले जाते थे 8-9 किलोमीटर। कहते तब मजा सा आता था कि यहाँ कुछ किया है, या कहते तब होता था जब 30 किलोमीटर से 50 किलो का गट्टा सिर पे रख के और ऊँटनी पे पूरा लाद के और आगे से मार पकड़ के लेके आते थे और बातें करते करते 30-35 किलोमीटर निकल जाती थी। कहते तब तो मजा आता था। हमने कहा जी वो वाला मजा आपने बहुत ले लिया, अब 15-20 मिनट काम कर लिया करो। सो कहने का मतलब कि वो क्या कहते, जितना मैं खाता हूँ उतना मुझे खेत में काम करना चाहिए ताकि मुझे लगे कि मैंने जो फसल मेरे घर में आई है मैंने भी उसमें अपनी मेहनत हक हलाल की कमाई करी है। वो तो अपने एक खाने के लिए बात, आप जरा सोचिए कभी दिमाग लगाया करो, ये दोनों जहां के मालिक का लंगर भोजन है, शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता, क्योंकि उससे जुड़े हैं तो नेचुरली दोनों जहान खाओ। ये आम नहीं है कुछ, हालांकि हम चेक करते हैं रोजाना लंगर भोजन खाते हैं, ऐसा नहीं जो लंगर आप खाते हो वो भी हम खाते हैं, ये नहीं कि दूसरा नहीं खाते, थोड़ा सा हमारी खुराक बहुत कम, आप सुनोगे तो मानोगे नहीं। हम आटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 11 या 14 ग्राम लेते हैं, यानी एक पूरे दिन में, क्योंकि ज्यादा आटा नहीं लेते। तो हरी सब्जियां बहुत लेते हैं, दाल ले लेते हो थोड़ी लिमिट में। सो बच्चों ये जरूर ध्यान दिया करो, आप सेवादार हो ज़्यादा आज, इसलिए आपको हम नहीं कहते कि लंगर ना खाओ, सेवा नहीं करते, जरूर खाओ, दूर दराज से चल के आए हो, रोग काटता है,
पर काश आप चलते चलते, हो सकता है कागज उड़ रहा हो, कोई पॉलीथीन पड़ा हो, वो भी उठा के अगर कचरे के डिब्बे में डाल दिया ना, खाने जितनी तो सेवा बनी गई। ये लंगर आम लंगर नहीं है। साईं जी ने 1948 से लेके अब तक इसके लिए वचन किए कि खाएगा टेंशन, बीमारियां, परेशानियां पता नहीं कितनी दूर हो जाएंगी, और अब राम से, सतगुरु से आशकी भी बढ़ जाएगी।